क्लास सिक्स चैप्टर थ्री मेकिंग फ्रेंड्स नोट्स सम क्वेश्चन आंसर दैट हैव बीन आस्क्ड टू यू इन द बुक. फर्स्ट, व्हाट डिड जो डिसाइड टू डू ऑन अ कोल्ड डे. जो ने क्या सोचा था कोल्ड डे, जो ठंडा दिन था उस दिन वो क्या करेगी. जो डिसाइडेड टू क्लियर द स्नो एंड स्वीप द पाथ अराउंड द गार्डन. जो ने सोचा था कि बाहर जितनी भी बर्फ इकट्ठी हुई है उसे साफ करेगी और गार्डन के चारों तरफ का पाथ भी क्लियर करेगी. क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट डिड जो सजेस्ट लॉरी शुड डू टू कीप हिमसेल्फ अम्यूज. उसने लॉरी को क्या सजेस्ट किया था अपने आप को एंटरटेन करने के लिए, क्या करना चाहिए. जो आज लॉरी टू रीड बुक्स और हैव समवन टू रीड बुक्स फॉर हिम टू कीप हिमसेल्फ अम्यूज. उसने कहा था, जो ने लॉरी को बोला था कि उसे किताबें पढ़नी चाहिए या फिर उसे किसी को बोलना चाहिए कि उसके लिए किताबें पढ़े जिससे कि वो अम्यूज रहे, एंटरटेन रहे. क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट आइटम्स डिड जो ब्रिंग फॉर लॉरी एंड फ्रॉम होम. जो जब लॉरी से मिलने आई थी वो उसके लिए क्या क्या आइटम्स लाई थी अपने घर से, ये बताइए. आंसर थ्री, जो ब्रॉट मैग्स ब्लैंचमेंच एंड बेथ्स किटन्स फॉर लॉरी एंड कन्वेड हर मदर्स लव टू हिम. सिस्टर का बनाया हुआ बेंच मैंच लाई थी, वो जो खाने की चीज़ थी स्वीडिश, और बेथ की जो बिल्लियाँ थी छोटी छोटी सी वो लेके आई थी लॉरी के लिए, और उसने बोला कि मेरी मम्मा ने भी बहुत सारा प्यार तुम्हारे लिए भेजा है. क्वेश्चन नंबर फोर, हाउ डिड लॉरी नो द नेम्स ऑफ मार्च सिस्टर्स. लॉरी को मार्च सिस्टर्स के नाम कैसे पता थे. आंसर, लॉरी न्यू द नेम्स ऑफ मार्च सिस्टर्स बिकॉज ही हैड ऑफन हर्ड दैम एंड कुड ऑल्सो सी दैम थ्रू द विंडो ऑफ देयर हाउस वाइल दे सैट टुगेदर एट अ टेबल विद देयर मदर. जब वो अपने घर में बैठी रहती थी तो वो अपनी विंडो से उनके घर में झांकता रहता था, उनके कर्टेंस में से दिखता रहता था उसे उनके घर में जब उनकी माँ उनसे बातें करती थी. और उसने बाहर भी जब वो गार्डन में बैठते थे खेलती थी लड़कियाँ तो भी उसने उनके नाम सुने थे, तो लॉरी को धीरे धीरे उनके नाम पता चल गए थे. डिस्क्राइब द लाइब्रेरी इन लॉरीज हाउस. लॉरी के हाउस की लाइब्रेरी को ज़रा डिस्क्राइब करिए, बड़ी अच्छी सी जगह दिखाई थी. द लाइब्रेरी इन लॉरीज हाउस वॉज लाइंड विद बुक्स एंड देर वर मैनी पिक्चर्स स्टैचूज एज वेल एज लिटिल कैबिनेट्स फुल ऑफ कॉइन्स एंड अनयूजुअल एंड इंटरेस्टिंग थिंग्स. लाइब्रेरी जो थी लॉरी की हाउस की वो बिल्कुल किताबों से लगी हुई थी, मीन्स किताबें इसमें लगी हुई थी. बहुत सारे पिक्चर थे, स्टैचूज लगे हुए थे और छोटी छोटी कैबिनेट्स बनी हुई थी जिसमें कॉइन्स थे और कुछ इंटरेस्टिंग और अनयूजुअल मीन्स अलग तरीके की चीज़ें उनमें रखी हुई थी, तो काफ़ी अच्छा डिस्प्ले था. देयर वॉज ऑल्सो अ पोर्ट्रेट ऑफ अ हैंडसम स्टर्न फेस elderly gentleman on one of the walls. एक वॉल पे एक बड़े स्मार्ट से बंदे का पेंटिंग थी, पोर्ट्रेट था. पोर्ट्रेट होती कोई पिक्चर ना, ड्रॉ करी हुई पिक्चर. हैंडसम से स्टर्न फेस, कुछ जेंटलमैन सा था, थोड़ा बूढ़ा सा था, उसकी एक पोर्ट्रेट भी एक वॉल पे लगी हुई थी, तो बड़ा प्लेजेंट सा सीन था. क्वेश्चन सिक्स, हुज पोर्ट्रेट डिड जो सी इन द लाइब्रेरी. हाउ डिड शी डिस्क्राइब द पर्सन. लाइब्रेरी में जो ने किसका पोर्ट्रेट देखा और उसने उस पर्सन को कैसे डिस्क्राइब किया. आंसर, द पोर्ट्रेट दैट जो सॉ इन द लाइब्रेरी वॉज दैट ऑफ लॉरीज ग्रैंडफादर. जो पोर्ट्रेट उसने देखा था, जो पेंटिंग टंगी हुई थी किसी ह्यूमन की, एल्डरली पर्सन की, वो एक्चुअली में लॉरी के ग्रैंडफादर की ही थी. जो डिस्क्राइब्ड हिम एज हैविंग काइंड आइज बट अ ग्रिन माउथ एंड ही लुक्स लाइक अ पर्सन हु हैज़ ट्रेमेंडस विल. जो ने ऐसे डिस्क्राइब किया कि उसकी आँखें बहुत ही प्यार भरी हुई थी, अच्छी थी, प्यारी सी थी, और माउथ जो था वो थोड़ा पतला था और ऐसा लग रहा था कि वो पर्सन है, ऐसा पर्सन है जिसके पास एक फर्म बिलीफ है, मतलब उसका पक्के इरादे होते हैं ना, ट्रेमेंडस विल, पूरी इच्छा शक्ति पूरी होती है, तो इस टाइप का वो पर्सन लग रहा था. सो दीज वर द क्वेश्चन आंसर्स. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. डू वॉच द एक्सप्लेनेशन. द लिंक विल बी इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू.